myself Neelufar. In today's video, I'm going to share with you festive makeup tutorial. So we guys know that Durga Puja is around the corner और ये look जो है ना बहुत ही elegant and glorious आपको दिखने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा heavy makeup नहीं है but at the same time आपको थोड़ा सा सटल लुक मिलने वाला है. सो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चल के शेयर करूंगी इन डिटेल्स और बहुत सिंपल है, हर कोई ये रिक्रिएट कर सकता है. सो वॉच द कंप्लीट वीडियो. वीडियो पसंद आती है तो करना है थम्स अप यानी कि लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है. एंड जाने से पहले लीव योर कमेंट बिलो. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो. सो स्टार्ट करेंगे फेस से. मैंने बालों को थोड़ा सा टाई कर लिया है. स्टार्ट करेंगे टोनर से. सो आई एम टेकिंग प्लम का फेस टोनर ग्रीन टी. ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है इफ़ यू हैव एक्ने प्रॉन स्किन. सो मेरा कुछ टाइम से ब्रेकआउट हो रहा था सो मैंने ये स्टार्ट किया है. बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है. फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है. सो इसे डैप डैप मोशन पर रखना है. एंड देन यहाँ पर मैं थोड़ा लिप्स को हाइड्रेट करूँगी. सो यहाँ पर मैं नायका का लिप बाम ले रही हूँ एंड लिप्स को भी हाइड्रेट कर लेंगे. नेक्स्ट मूव होते हैं मॉइस्चराइजर पे. सो यहाँ पे मैं नीम एंड तुलसी का जेल क्रीम ले रही हूँ. आपके स्किन टोन का कोई भी आप मॉइस्चराइजर क्रीम जो आप बेसिकली लगाते हैं आप वो ले सकते हैं. सो इसे मैंने ऑल ओवर फेस में लाइट सा मसाज किया है. सो नेक्स्ट मूविंग टू फेस प्राइमर. यहाँ पर मैं मेबेलिन फिट मी ड्यूई स्मूथ प्राइमर ले रही हूँ. इसको अपने फेस के टी जोन पे अच्छा सा मसाज करूँगी. इसमें आपके ओपन पोर्स आपके मिनिमाइज होंगे और आपके फेस को थोड़ा सा ड्यूई फैक्टर देगा. सो इसे सेट होने के लिए थोड़ा सा रखूँगी. तब तक मैं ब्रावो की तरफ जाऊँगी. यहाँ पर मैं फैशन ब्रो पेंसिल ले रही हूँ. ये भी मेबेलिन ब्रांड का है. सो यू कैन सी जितने भी ब्रांड मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ना सब अफोर्डेबल प्राइस में है. सो यू कैन अचीव दिस लुक बहुत ही ईजी एंड सटल लुक में ये कन्वर्ट होगा. देन जो भी मेरा नेचुरल शेप है उसे जस्ट मैंने पेंसिल किया है एंड स्पूली के हेल्प से उसे मैं स्मच कर दूंगी. सो ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, नेचुरल पे ही जाना है. नेक्स्ट मूविंग टू बेस मेकअप. सो यहाँ पे मैं फाउंडेशन अगेन मेबेलिन ब्रांड का ही ले रही हूँ. फुल कवरेज का सुपर स्टे जिसका शेड है 220 नेचुरल बेज. सो इसे अपने फेस में पहले मैं अप्लाई करूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करूँगी. सो समहाउ इस वीडियो में बीच बीच में आपको ब्लर फैक्टर दिखेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना कैमरा फोकस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है. सो सॉरी फॉर दैट गाइज, बट वो आपको आगे चल के बीच बीच में आपको दिखेगा. बट एनी हाउ मैं यहाँ पर आपको जो स्टेप है ना एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको ऑल ओवर जो है ब्लेंड किया है. नेक को नहीं भूलना है, नेक में भी अच्छे से ब्लेंड करना है. नेक्स्ट इंस्टेंट एज रिमाइंडर इरेजर कंसीलर ले रही हूँ. पहले अपने ब्रावो को मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी ब्रश के हेल्प से और उसके बाद अपने लिड में जो जो एरियाज हम लोग हाईलाइट करते हैं ना लाइक अंडर आइज में ब्रिज ऑफ द नोज, थोड़ा सा मैं जॉ लाइन के जस्ट ऊपर जो भी हाई पॉइंट होते हैं वहाँ पर अप्लाई करूँगी. एंड देन अगेन इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर लाइक जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है आप उसके हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं. सो इसे मैं ऑल ओवर जो है अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी. एंड यू कैन सी कितना स्मूथली जो है ना ब्लेंड हुआ है. बेस को सेट करने के लिए दो पाउडर है फिट मी एंड जीनो मैक्रे का. सो आज मैं जीनो मैक्रे के पाउडर से इसे सेट करूंगी. आप चाहो तो ट्रांसलूसेंट पाउडर या सेटिंग पाउडर है उससे भी सेट कर सकते हो. नेक्स्ट बेस को थोड़ा सा सेट करेंगे, लॉक करेंगे. इसके बाद मूव करेंगे आई मेकअप में. सो यहाँ पे मैं टू पेंसिल्स लूँगी. सो जस्ट आपको मैं दिखा दूँ, एक है रिमेल ब्रांड का जिसका शेड है 213 इन न्यूड शेड, आई डिफाइनर है, और दूसरा कॉलोसल काजल. सो फर्स्ट मैं मेबेलिन की कॉलोसल काजल ले रही हूँ. सेकेंड सी यही मैं ब्लर की बात कर रही थी, इसमें एक्चुअली जो मेरा मिरर है उसे फोकस किया है कैमरा ने, अदरवाइज आपको मैं और अच्छे से क्लैरिटी से दिखाती. जस्ट मैंने वी जैसा होता है ना वी शेप दिया है आउटर कॉर्नर में. सो आई लुक के लिए यहाँ पे मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क सिटी मिनी पार्लर ले रही हूँ. उसमें से ब्राउन शेड पे क्या है जस्ट सिंपल जो काजल मैंने ड्रॉ किया था ना उसी के ऊपर थोड़ा सा स्मच करूँगी आउटर वी में. बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी काजल या फिर ब्राउन शेड या डार्क जो ब्राउन है वो सेम एज इट इज़ ले सकते हैं. देन फ्लफी ब्रश लूँगी और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी. और जो मेरा क्रीज एरिया है उसको ज़्यादा मैं इनर साइड नहीं लेके जाऊँगी, जस्ट मिड ऑफ द जो लिड है वहीं तक मैं इसको जो है ब्लेंड करूँगी. एंड अगेन जो है आउटर साइड इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट कट क्रीज करना है, आप चाहो तो छोटा सा ब्रश ले सकते हैं. यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रश ले लिया था, अगेन फिर मुझे ब्रश थोड़ा चेंज करना पड़ा, वो मुझे ज़्यादा ईजी लगा. सो इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी क्योंकि मैं ना आप देखेंगे क्योंकि जो आउटर साइड रहेगा वो थोड़ा स्मोकी रहेगा और इनर आई जो है ना वो बहुत ही ब्राइट रहेगा. सो यही रीज़न है इसको थोड़ा सा कट क्रीज करने का.
सो इसे मैंने कर लिया है। नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर व्हाइट कलर का पाउडर ले रही हूँ, दूसरे पैलेट से लिया है, जो व्हाइट शेड का होता है बेसिकली, आप वो ले सकते हैं। इसे जहाँ जहाँ कंसील किया था ना उसके ऊपर मैं इसे प्लेस करूँगी, तो आप कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं कि कितना ब्राइट दिख रहा है जो इनर साइड है। और जो आउटर है ना वहाँ पर अगेन मैं ब्राउन से ना थोड़ा सा शार्प लुक करूँगी ताकि कॉन्ट्रास्ट दोनों का जो है बैलेंस रहे। नेक्स्ट ये वाला शिमरी शेड पिक कर रही हूँ, ये थोड़ा सा गोल्डन में आ जाएगा और बहुत ही लाइट शिमरी शेड है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और उसमें मैंने आपको दिखाया था, एंड यू कैन सी कितना ग्लोरियस लाइक आपको ड्यूई दिख रहा है और स्पार्क बहुत लाइट सा है। नाउ ये टाइम आता है न्यूड शेड का, जो मैं आई डिफाइनर ले रही हूँ। आप चाहो तो वाइट कलर का पेंसिल भी ले सकते हो या फिर काजल भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपको कैसा लाइक बॉटम वाला जो आई लुक चाहिए। मैंने बड़ा सिंपल रखा है एंड ब्राउन शेड से ना लोअर लैश को अच्छे से स्मोक आउट कर दिया है, देन लैश को कर लेंगे कर्ल, देन मस्कारा से इसे कोट करना है। सो अगेन यहाँ पर मैं मेबेलिन के कॉलोसल मस्कारा ले रही हूँ और अपने बॉटम लैश एंड अपर लैश अच्छे से कर्ल कर लूँगी, एंड ऑफ कैमरा जो है यहाँ पर मैं फर्स्ट लैश भी अप्लाई करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट इज ब्यूटी का 03 ब्रॉन्जर पैलेट ले रही हूँ, ब्रॉन्ज के लिए लाइक कॉन्टोर के लिए। आप कोई भी ब्रॉन्जर पैलेट ले सकते हैं, अगर आपके ब्राउन शेड है आपके पैलेट में आप उसे भी कॉन्टोर कर सकते हैं। सो अपना जो एप्पल ऑफ चीक्स है, थोड़ा सा जॉ लाइन, थोड़ा सा फॉरहेड एंड नोज को अच्छे से इसे कॉन्टोर करना है। सो इससे आपका जो बेस है ना, क्योंकि आप फाउंडेशन लगा लेते हैं तो फ्लैट हो जाता है, सो उसे जस्ट डायमेंशन देने के लिए कॉन्ट्रोर पार्ट इट्स मस्ट आपको करना चाहिए। सो मैं यहाँ पर अपने नोज़ को भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोर कर लूँगी, सो यू कैन सी इसके बाद आपको ना थोड़ा सा डायमेंशन फेस का जो है ना अच्छे से क्लियर दिखेगा। मैक का यहाँ पर मैं ब्लश ले रही हूँ 08 शेड का, एंड देन अगेन जहाँ पर मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई किया था उसी एरियाज में पहले अप्लाई करूँगी एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो नेक्स्ट इट्स टाइम टू हाईलाइटिंग। सो यहाँ पर मैं ओफरा का पैलेट ले रही हूँ, इसमें ऊपर के जो दो शेड है ना इनको मैं मिक्स करके हाईलाइट करूँगी। सो एप्पल ऑफ चीक्स में जो भी एरियाज में लाइट इफेक्ट आता है वहाँ पर आपको हाईलाइटिंग करना है, ताकि आपके पिक्चर्स भी अगर आप क्लिक कर रहे हैं ना वो भी बहुत ही अच्छा आपका लुक आएगा। देन ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड एंड चिन में एंड ब्राउन को भी इसी से हाईलाइट करना है। नेक्स्ट जो लिपस्टिक के लिए ना, यहाँ पर ये भी ब्लर आपको दिखने वाला है कैमरा की वजह से, बट यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का भी रिसेंटली मैंने परचेज किया था, इसमें से ब्राउन डार्क शेड पिक कर रही हूँ। अपनी लिप्स को पहले आउटलाइन करूँगी और इसी के साथ फिल इन करूँगी, बिकॉज ये लिप पेंसिल है और यू कैन सी द कलर और पिगमेंट बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा लगा। इसके साथ में अगेन ये भी न्यू लिपस्टिक है, शेड नंबर 9 है, ये हर्ब्स ब्रांड का है और इसी के ऊपर मैंने अप्लाई किया। यू कैन सी द कलर एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। हेयर को थोड़ा सा मैंने क्रिम्प किया है एंड इयररिंग भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक पे रखा है। सो कैसा ये लुक लग रहा है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा बिंदी अगर आप चाहो तो लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने बिंदी लगाया है। सो या दैट इज़ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।